बारह तेरह मिनट की रचना है और मैं आपसे विनती करता हूं कि इस पंद्रह मिनट में आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा विवेक इस स्थान पर रहे, मंच की ओर रहे, शब्दों की ओर रहे। राजस्थान की परंपरा का एक महान दौर, इतिहास का एक प्रमुख अंग मैं आप लोगों के बीच में गाने जा रहा हूं। थोड़ा सा निवेदन करता हूं कि आप लोग बिल्कुल सजग रूप से आनंद लीजिएगा और देखिए नाच गाने के भजन को बाद में गाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय ताके नाम ये कार्यक्रम है तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। दोनों हाथों को उठाकर एक बार मित्रों, हाथी घाटी का ओजस्वी संग्राम समाप्त हुआ और लाख कोशिशों के बावजूद एक बार महाराणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ा। महाराणा प्रताप की जंग में हार हो गई। उसका कारण था कि तीन तीन पीढ़ियों का युद्ध था। मेवाड़ का राजवंश बप्पा रावल के बाद में प्रारंभ होकर महाराणा कुंभा से होते हुए महाराणा संग्राम सिंह यानी महाराणा सांगा से आगे चलकर महाराणा उदय सिंह और महाराणा उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप, लगभग चार पीढ़ियों का एक लंबा दौर था। पूरा देश मुगलों के आतंक से घिर चुका था। उत्तर पश्चिम से बाबर नाम का एक आतंकी इस देश में आया। उसने इस देश में आतंक के बल पर, इस देश पर अत्याचार के बल पर अपने साम्राज्य को स्थापित किया। महाराणा प्रताप की वंशजों की तीन तीन पीढ़ियां खप गई। बहुत सारे वीर सपूत सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए और बहुत सारी कोशिशों के बाद में एक बार हल्दी घाटी का दूसरा जो युद्ध था वो महाराणा प्रताप को पराजित हुआ। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। महाराणा प्रताप को अपने महलों को छोड़ना पड़ा, अपने परिवार को लेकर जंगलों में चले गए, घास फूस खाकर अपना गुजारा करते हैं। एक घटना हुई और देश के इतिहास को बदल दिया। डॉक्टर कन्यालाल सेठिया ने अपनी कलम से उस घटना को पीतल पाथर शीर्षक से राजस्थानी मायर भाषा में लिख दिया। प्रस्तुत कर रहा हूं। दुख जागो। अब एक एक शब्द एक एक विषय। अरे घास की रोटी जब बन बिलावड़ो ले भागो, अरे घास की रोटी बन बिलावड़ो ले भागो, नानो सो अमरो चीख पड़ो, नानो सोयो दुख जागो। अरे घास की रोटी बन बिलावड़ो ले भागो। Thank you.
इतिहासकारों का इसमें मतभेद भी हो सकता है, मैं आपसे निवेदन करता हूं, लेकिन मैं उस मतभेद से अलग एक बात जो मैंने जिसको मैंने सोचा है, ठीक है, मैं उस बात को कहने जा रहा हूं। कहा जाता है एक बार जंगल में भूख से दिल मिलाते महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह रोने लग गए। महाराणा प्रताप ने घास फूस जुटाई और अपने पुत्र को जैसे खिलाने के लिए निवाले के लिए हाथ आगे बढ़ाया, एक जंगली बिलाव आया रोटी को लेकर भाग गए। भूख से दिल मिलाता अमर सिंह, हाय चता करता पगला फुलारी कमड़ी से जा पर to do these
मैं आज सुनी है ना हरियो साला रे सागे
सुना है कि चमकता चमकता सूर्य बादलों की ओट में सदा के लिए खो जाएगा। मैंने सुना है कि जिस डॉक्टर की चोंच धरती पर पड़े पानी पीने जैसी बनी ही नहीं, वो चाहकर भी धरती का पानी पीना शुरू कर देगा। और मैंने सुना है कि मदमस्त हाथी अब कुत्तों के साथ में रहना प्रारंभ कर देगा। उससे भी आगे बड़े जबरदस्त शब्द लिख दिए, कहा मैं आज सुनी
जहां समझ में आ जाए वहां हाथों को उठा लेना, अभी नहीं, जहां समझ में आ जाए। जद राणा दो संदेश गयो, जद राणा दो संदेश गयो, पीठड़ी छाती दूनी हिंद मारो सूरज चमके हो, अकबर की दुनिया सुनी हो, अकबर की दुनिया सुनी हो, अकबर की दुनिया अकबर की दुनिया सभी लोग दोनों हाथों को उठाएं। भारत।